प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जी, जो रिलेटेड है डिस्काउंट एज ए परसेंटेज ऑफ मार्क्ड प्राइस, या इसे हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझते हैं और फिर इन टर्म्स को भी देखते हैं हम दोबारा से। एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹12,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस। मतलब अगर एक दुकानदार ने एक ऑब्जेक्ट जो है उसको सेल किया है ₹12,000 का, जो कि सेल प्राइस होगी, तो इस पे वो जो इसकी उसने मार्क प्राइस रखी थी, उस लिहाज से उसने उसके ऊपर 20% डिस्काउंट देकर ये ऑब्जेक्ट 12,000 का बेचा है। मतलब अगर हम इस बात को समझें कि जो मार्क प्राइस होती है, बेसिकली ये इस वजह से रखी जाती है कि जो चीज़ें दुकान में रखी गई हैं उनकी मेंटेनेंस और उनको मतलब फ्रेश रखने के लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस आ रहे होते हैं उन्हें ऐड किया जाता है। अब मार्क प्राइस, अगर 100% ऑफ मार्क प्राइस देखना हो तो वो कैसे हासिल होगा? उसमें मतलब इस 100 के टू पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब अगर डिस्काउंट 20% आ रहा है तो बेसिकली ये 20% जो है वो मार्क प्राइस ही का डिस्काउंट है, ठीक है, जिसे मैं एम डॉट पी कह रहा हूँ। और अब बाकी के जो 80% बचे हैं वो जो होंगे वो भी मार्क प्राइस के होंगे और वो कहलाएंगे हमारे पास सेल प्राइस। मतलब 80% ऑफ मार्क प्राइस जो होगा वो इस केस में सेल प्राइस आ गई, जो कि कितनी है 12,000 है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास 20% ऑफ मार्क प्राइस थी वो डिस्काउंट था, जो कि नहीं लिया गया, ठीक है जी, जो कि डिस्काउंट था। और दूसरी बात ये कि जो मार्क प्राइस है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है, ठीक है। अब अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि जो 80% ऑफ मार्क प्राइस है वो अगर 12,000 हो तो मार्क प्राइस क्या होगी, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूँ लिखेंगे कि 80% का मतलब है 80 आउट ऑफ 100। ऑफ मार्क प्राइस मतलब टाइम्स मार्क प्राइस वो कितना बन रहा था, वो रुपीज़ 12,000 बन रहा था, ठीक है। अब अगर 80/100 को यहां से कैंसिल करना हो तो इनके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 100/80 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, ठीक है। तो यहां से 80/80 कैंसिल हो जाएंगे, 100/100 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और 1 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस होगा तो मार्क प्राइस आ जाएगी, जो कि 100% ऑफ मार्क प्राइस है। अब वो किसके इक्वल है, यहाँ से हम इस कैलकुलेशन को कर लेते हैं कैलकुलेटर से। देखें 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 80 से और आंसर जो आया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹15,000। तो ये वो मार्क प्राइस थी जिस पे के 20% डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार ने जो चीज़ बेची है वो ₹12,000 की बेची है।